हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट में आज सीखेंगे हम एरे। एरेज क्या होते हैं? तो नॉर्मली क्या होता है, हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या किया, इसी ए के अंदर वैल्यूज चेंज कर दी 20। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करें ए, तो स्क्रीन पे क्या रिजल्ट दिखाई देगा हमें, 10 या 20। ऑब्वियसली जो रिसेंट वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो कंसोल में हम चेक करके देखते हैं, इंस्पेक्ट में जाकर, तो 20 हमें स्क्रीन पे रिजल्ट मिल गया है। तो उसके बाद मैंने फिर से इसकी वैल्यू को अगर अपडेट किया 56, तो अब क्या रिजल्ट आएगा। अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो अब हमें दिखाई देगा 56। बट मान लीजिए हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स है। अब हम 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के अगर हम रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो हम 50 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो जो कि एक काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि रोल इज इक्वल टू 101। अगेन फिर मुझे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, रोल 1 इज इक्वल टू, यहां पर हमने स्टोर करा दिया 103, रोल 2 इज इक्वल टू 102। तो इस तरह से अगर हमें 50 वेरिएबल 50 रोल नंबर्स अगर स्टोर कराने हैं तो 50 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। और अगर हमारे पास डाटा और भी ज्यादा है तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जिनको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखें कि एक वेरिएबल ऐसा हो जिसके अंदर हम 50 वैल्यूज स्टोर करा सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस चीज को अगर हमें कोई भी ऐसा काम करना है कि हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम यूज करते हैं एरे। तो एरे के अंदर क्या होता है, हम एक ही वेरिएबल में बहुत बहुत सारा डाटा स्टोर करा के रख सकते हैं। अब इसके चार्ट से समझते हैं कि एरे में डेटा स्टोर कैसे होता है। तो चार्ट बनाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एरे दो तरीके के होते हैं। एक तो टू जो एरे बनाने का मेथड है हमारे पास, तो हम देखते हैं इसके अंदर जो एरे है हम बनाने के दो मेथड है हमारे पास। एक तो है कि दोनों को हम डिस्कस करेंगे। देर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग एरे। तो एरे को हम दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है, फॉर एग्जांपल लेट, जिसमें स्क्वेयर ब्रैकेट यूज होता है, जो सिंपल मेथड है बिल्कुल, ए एक वेरिएबल लिया कि जिसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है, और स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर एरे आएगा यहाँ पर, जो एरे को डिनोट करती है। स्क्वेयर ब्रैकेट से ही पता लगता है हम इसके अंदर एरे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ हम कुछ वैल्यू स्टोर करा देंगे, 10, 30, 40, वट कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, और यहाँ पे कोई हम नेम वगैरह या फिर कोई टेक्स्ट वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो एरे का जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे नाम से एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट से एरे बनाएंगे तो पहले कोई भी वेरिएबल लिया, ए ले लिया जैसे हमने, उसके बाद न्यू और फिर एरे ही लिखना है, ए डबल आर ए वाई, और एरे का एक कैपिटल रहेगा। इधर जो वेरिएबल है इसका नाम कोई भी रख सकते हो, और उसके बाद इसके अंदर डेटा स्टोर कराओगे पैरेंथेसिस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 10, 30, 20, हेलो।
टू मेथड्स हमारे पास। हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं पहले कि डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, सिस्टम डेटा को कैसे स्टोर करेगा। अब चेक करते हैं इसको, मैं इसका मेमोरी मैप बताता हूं कि किस तरीके से मेमोरी मैप होता है और इंडेक्सिंग को कैसे एक्सेस कैसे करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहां पर लिया था अभी, लेट ए इज इक्वल टू, हमें हम वैल्यू जो स्टोर करा रहे हैं 23, 45, 67, और फॉर एग्जांपल हमने स्टोर करा दिया हेलो कॉमा एंड 23.56। तो एरे के अंदर हम डिसिमिलर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं। तो सिस्टम ने क्या किया, जो मेमोरी मैप बनेगा यहां पर, फाइव वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी, फाइव ब्लॉक्स बन जाएंगे मेमोरी के अंदर, फाइव ब्लॉक्स 1, 2, 3 और ये मेरे पास हो गए 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम फोर बॉक्सेस बना देते हैं। कोई भी कलर ले लीजिए, इधर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। अब हम इसके अंदर अपना जो डेटा है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होगा। यहाँ पर मेरा फर्स्ट नंबर चला जाएगा 23, इस बॉक्स के अंदर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 45, इसमें हमारे पास आ जाएगा 67, और इसके बाद यहाँ इस ब्लॉक में क्या चला जाएगा, हेलो, और नेक्स्ट ब्लॉक में क्या होगा, 23.56। एरे क्या करता है, इंडेक्सिंग क्रिएट करता है। तो इसका लोकेशन क्या होगा, कहाँ स्टोर हुआ होगा, किस इंडेक्स पे स्टोर हुआ होगा। तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कुछ वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ हमने यहाँ पर ए, तो इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है एरे की हमेशा। तो ये ए जीरो पे स्टोर हो गया, ये ए वन पे स्टोर हो गया, ये ए टू पे स्टोर हो गया, और जो नेक्स्ट नंबर है वो ए थ्री पे स्टोर हो गया, नेक्स्ट ए फोर पे स्टोर हो गया। तो जो एरे का इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, एरे की जो इंडेक्सिंग होगी। तो इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, एरे इंडेक्स बिगिन कहां से होगा, फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा हमेशा एरे का, जीरो। तो फर्स्ट इंडेक्स जीरो होगा, और लास्ट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो लास्ट इंडेक्स डिपेंड करेगा कि एरे में हम कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एन माइनस वन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फाइव है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में से अगर मैं माइनस 1 करूं तो मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मैप बन जाता है। अब अगर हमें इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना हो स्क्रीन पे कि हमें हेलो को देखना है, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर हम कंसोल डॉट लॉग A3 करते हैं तो हम स्क्रीन पे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हेलो। और इसी सिमिलरली अगर मुझे 23.56 देखना है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे A4। तो हमें स्क्रीन पे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो जो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 23.56 समथिंग ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं कि किस तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा है।
तो यहाँ हम लेट ए, तो यहाँ हम कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं, 10, 20, 30। यहाँ हमने डाल दिया हेलो और उसके बाद 23.56 समथिंग ये डाल दिया। तो ये हमने क्या किया, एक एरे बना दिया यहाँ पर। अब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो हमें ए 3 किया, ए 3 करेंगे तो 0, 1, 2, 3, तो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, हेलो, और हमें स्क्रीन पे हेलो ही डिस्प्ले होगा। तो हम रिजल्ट देख सकते हैं कि हेलो स्क्रीन पर आ गया है। तो अब हमें देखना है 20, तो हम क्या लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, हम लिखेंगे यहाँ पर ए। तो 20 का क्या है, 0, 1, इसका इंडेक्स क्या है, 1। तो अगर हम ए 1 करते हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या रिजल्ट दिखाई देने वाला है, 20। देखिए, तो इस तरह से हम एरे की जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और सभी को एक साथ स्क्रीन पर देखना है तो हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। तो हम एक लूप चलाते हैं, इससे फोर लूप, एरे में हम फोर लूप भी चला सकते हैं, मैप भी चला सकते हैं, बट अभी हम फोर लूप से करेंगे। से ए, चलो लूप लिया हमने, आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और यहाँ हमने डाल दिया आई, कितने डाटा है हमारे पास अभी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लूप को हम 5 तक चलाते हैं, लेस देन 5, सेमीकोलन, और यहाँ प्लस प्लस आई। तो अब हम इसके अंदर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरे का क्या नाम है, ए, और इंडेक्सिंग अगर हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं 3, तो जो ए 3 में क्या है, 0, 1, 2, 3 हेलो, तो 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी हमें इंडेक्सिंग चेंज करनी है कि यहाँ पर ए 0, फिर ए 1, फिर ए 2, तो ये वाला काम कौन कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है मेरा वेरिएबल आई, क्योंकि आई की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होगी, अपडेट होगी जब लूप रिपीट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई, अब हम जब आई करेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, 10, 20, 30 हेलो एंड 23.56। तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक मतलब एरे को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं, एरे की वैल्यूज को। बट यहां पर देखा जाए तो अगर हम कुछ वैल्यूज इंक्रीज करें तो हमें अभी भी रिजल्ट 23.56 तक मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि सभी की सभी वैल्यूज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएं। अपडेट यहां पर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। अगर हमें लेंथ निकालनी तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाले को क्या करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट। अब देखिए नीचे, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है एरे की, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं, इसका साइज बताइए हमें कितना है। तो ए डॉट लेंथ, लेंथ नाम का एक्सेल उसके अंदर एरे के अंदर फंक्शन होता है। अब अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग और साइज लिखें तो हमें इस एरे की लेंथ पता लग जाएगी कि कितनी है। तो देखोगे इसमें कितने आइटम्स हैं, 7, और चेक करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आइटम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो लूप है उसको फिर से चलाते हैं, आई इज इक्वल टू 0,
आई लेस देन, कहाँ तक चलाएंगे अब लूप को? अब हम 7 तक नहीं चलाएंगे। साइज किस एरे की लेंथ किस वेरिएबल में आ चुकी है? साइज में, तो इसको साइज तक लेकर जाएंगे और फिर क्या कर देंगे, प्लस प्लस आई, और फिर हम इसको यहाँ पर फाइनली डिस्प्ले कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। वेरिएबल एरे का डाटा कौन से वेरिएबल में है? ए में, और लूप किस वेरिएबल में चला हुआ है? आई में। तो आप इसको चेक करके देख सकते हो कि हमें सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ से नंबर्स कम करते हैं तो मेरी एरे की जो लेंथ होगी वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी और फाइनली हमें डाटा स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एरेज ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एरे कैसे बनाते हैं और एरे की जो वैल्यूज हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे फाउंड किया जाता है, ये सारा कुछ देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो